गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, आगे कुआं पीछे खाई, दुम दिखाकर भाग जाना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, डूबते को तिनके का सहारा, लालच बुरी बला है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के 25 प्रोवर्ब्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग के साथ हम उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, ताकि इन सभी को आप अपने रियल लाइफ में इजीली रिलेट कर पाओ। तो चले गए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रोवर्ब है, आगे कुआं पीछे खाई। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका मतलब होता है हर तरफ मुसीबत होना, मतलब मुसीबतों से घिरा हुआ होना। तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगली प्रोवर्ब है, दुम दिखाकर भाग जाना। इसका मतलब होता है डर के भाग जाना। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, टू टर्न टेल, टू टर्न टेल। नेक्स्ट वन इज, डूबते को तिनके का सहारा, मतलब अगर कोई पर्सन परेशानी में है तो वो वहाँ से निकलने में सब कुछ ट्राई करता है, मतलब ऐसे में अगर उसे कोई छोटी सी भी मदद मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत बड़ी होती है। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ड्रोनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, ड्रोनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। अगली प्रोवर्ब है, मुख में राम बगल में छुरी। इसका मतलब होता है ऊपर ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करना, मतलब अच्छी बातें करना, लेकिन अंदर से गंदे विचार रखना या फिर गंदी सोच रखना। तो अगर आपके सामने कोई पर्सन ऐसा है, आप उसको फेस करते हो, तो आप उसे बोल सकते हो, मुख में राम बगल में छुरी। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। अगली प्रोवर्ब है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब होता है अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, अ फॉग कांट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन, अ फॉग कांट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। नेक्स्ट वन इज, कर बुरा तो होए बुरा, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब होता है जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक। अगली प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब होता है कुछ है जो ज़्यादा मिलनी चाहिए थी लेकिन वो ज़रूरत से कम मिलना। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब होता है अपनी कमी से कुछ ना कर पाने का दोष किसी और को देना या फिर किसी और चीज़ को देना, ऐसा हो गया था इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया या फिर इस चीज़ की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा बोलना। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, अ बैड वर्क मैन ब्लेम्स हिज टूल्स, अ बैड वर्क मैन ब्लेम्स हिज टूल्स। अगली प्रोवर्ब है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब होता है हमें किसी के बाहरी रंग रूप को देखकर जज नहीं करना चाहिए, मतलब उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगली प्रोवर्ब है, जैसे को तैसा, मतलब अच्छे के साथ अच्छा करना और बुरे के साथ बुरा करना, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। नेक्स्ट वन इज, दाल में कुछ काला, मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ गड़बड़ होना। तो आप इसको बोल सकते हैं, मोर टू इट देन मीट्स द आइस, मोर टू इट देन मीट्स द आइस। या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। अगली प्रोवर्ब है, जैसा देश वैसा भेष। इसका मतलब होता है हमें जगह के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, मतलब जैसी जगह होती है जगह के अनुसार हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब होता है भलाई करने के बदले में कुछ उम्मीद ना रखना, मतलब अगर आपने किसी के साथ भलाई की है या फिर कुछ अच्छाई की है तो ये उम्मीद ना रखना कि वो भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा या फिर तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद ना रखना। इसका मतलब होता है नेकी कर दरिया में डाल।
तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर। अगली प्रोवर्ब है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो देखने में या फिर सुनने में तो अच्छा होता है, लेकिन जब आप उससे मिलते हो या फिर वो रियल में ऐसा नहीं होता है जैसा आपने सुना था या फिर जैसा आपने देखा था। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वुल। इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर आप बोल सकते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, ग्रेट क्राई लिटिल वुल। अगली प्रोवर्ब है सांच को आँच क्या। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो सच्चा होता है तो उसे किसी बात का डर नहीं होता है। प्योर गोल्ड डजन फियर द फ्लेम, प्योर गोल्ड डजन फियर द फ्लेम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। आपने बहुत बार गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा या फिर किसी घर के आगे ऐसा लिखा हुआ होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इसका मतलब होता है जब कोई किसी पर बुरी नज़र डालता है या फिर किसी का कोई बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा ही होता है। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कर्सेस कम होम टू रोस्ट, कर्सेस कम होम टू रोस्ट। अगली प्रोवर्ब है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब होता है थोड़े टाइम का सुख आना। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं अ 9 डेज वंडर, अ 9 डेज वंडर। नेक्स्ट प्रोवर्ब है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसका सिंपली मतलब होता है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं गैदर थिशल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, गैदर थिशल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। अगली हमारी इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका सिंपली मतलब होता है जो ज़्यादा बोलते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। मतलब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारी आप भले तो जग भला। इसका सिंपली मतलब होता है जो कुछ अच्छा होता है उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है। मतलब अगर कोई पर्सन अच्छा होता है तो वो किसी में कमी नहीं निकालता है, अगर कोई बुरा होता है तो दूसरों में कमी जरूर निकालता है। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। अगली हमारी प्रोवर्ब है बहुत बार आपने सुना होगा लालच बुरी बला है। इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ का भी लालच करना बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एवरेज इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स, एवरेज इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। और नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब होता है जो ताकतवर होता है उसकी बात माननी ही पड़ती है। मतलब जो ताकतवर होता है उसके सामने झुकना ही पड़ता है। माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। अगली प्रोवर्ब है हमारी कर भला तो हो भला। इसका मतलब होता है अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। मतलब अगर आप किसी के साथ भला करोगे तो वो भी आपके साथ भला ही करेगा। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब अगर दो लोगों के बीच कोई झगड़ा हो जाता है या फिर दो लोगों के बीच कोई मनमुटाव होता है तो दोनों की उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है, केवल एक की उसमें गलती नहीं होती है। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, इट टेक्स टू टू मेक क्वारल। अगली प्रोवर्ब है हमारी दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसका मतलब होता है दूर की चीज़ें देखने में या फिर दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन पास से देखने में या फिर पास से उनमें डीपली घुसने में वो मन को निभाती हैं या फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब इस प्रोवर्ब को आप ऐसे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं, जैसे इधर उधर घूमते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो वो एक साथ नज़र आते हैं, तो आप उनके लिए बोल सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 3 प्रोवर्ब्स हैं।
आसमान से गिरा खजूर पर अटका, डूबते को तिनके का सहारा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इन तीनों प्रोवर्ब्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा